प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। भारत में कोरोना की दूसरी लहर काफी तेजी से फैल रही है। देश में टेस्ट करवाने वाला हर पांचवां शख्स कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो देश में कोरोना संक्रमण की दर 21% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 17,23,912 टेस्ट हुए, जिसमें 3,60,960 लोग पॉजिटिव पाए गए। हालांकि इन सब के बीच रिकवरी रेट भी भारत में ज्यादा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 2,61,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,79,000 से ज्यादा मामले निकल कर सामने आए हैं। वहीं 3,645 मौतें भी हुई हैं। वहीं कोविड वैक्सीनेशन को लेकर देश के युवाओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। 28 अप्रैल को शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के पहले ही दिन लाखों लोगों ने खुद को रजिस्टर्ड कराया। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO RS शर्मा ने ट्वीट कर बताया कि रात करीब 8 बजे तक कुल 79,65,720 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के साथ बैठक में कोविड प्रबंधन के लिए सेना की तैयारियों की समीक्षा की। जनरल नरवणे ने PM को बताया कि सेना जहां संभव हो रहा है वहां अपने अस्पतालों को आम लोगों के लिए खोल रही है। आम नागरिक नजदीकी सैन्य अस्पताल जा सकते हैं। सेना कोविड-19 के मामलों से निपटने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में अस्थायी अस्पताल भी बना रही है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, हालांकि उनमें कोई भी कोरोना का लक्षण नहीं पाया गया है। इधर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि भारत मेरा देश है, वहां लोग कोरोना से मर रहे हैं, प्लीज मदद करें। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ समाजवादी नेता हाजी रियाज अहमद का गुरुवार तड़के कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। वो 69 साल के थे। इधर उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस साल चार धाम की यात्रा को रद्द कर दिया है। वहीं गुरुवार को कोरोना संक्रमण के मामले पर एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ऑक्सीजन संकट पर केंद्र से कहा कि उन्हें कुछ करना होगा क्योंकि रोज लोग मर रहे हैं। कोरोना से जुड़ी इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।